हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। मैं निशांत बागुल आपके लिए वीडियो अपलोड करने वाला वीडियो पे आए हो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन दबाना इससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको खुद का टूल बॉक्स टूल किट, जैसे स्पैनर हो, गुटकी पाना हो, टॉमी हो, बॉक्स पाना हो, या चपटी पाना हो, या फिक्स पाना, तो ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ने वाली। तो दोस्तों, यहाँ जब भी खोलते समय आपको ध्यान देना है, ये नट बहुत साल पुराने होते जाते हैं, गाड़ी ऑटो पुराना होता है तो आप ऑटो चलाते लगातार, उसके बाद ऑटो के नट में जो जंग लगता है, धूल मिट्टी होती है, उसे खुल नहीं पाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, उसके ऊपर पानी डाल देना है। थोड़ी देर पानी डालने का, तो उससे होता क्या है, जंग लगा होता है या फिर कीचड़ होता है, वो साफ़ हो जाता है, तो खुलने में आसानी हो जाती है। तो फिलहाल अभी ये 14 नंबर की गुटकी इस तरह लगानी है। उसके बाद अभी आपके पास बड़ी टॉमी हो तो ठीक है, या फिर आपके पास फिक्स पाना तो मैंने ट्राई किया, नहीं लगा। उसके बाद तो रिंग पाना को भी ट्राई किया, नहीं लगा, तो अभी गुटकी से यूज़ किया है। दोस्तों, यहाँ भी आपको ध्यान देना, आपका टूल किट होना चाहिए खुद का, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आगे चलते हैं और वीडियो को जारी रखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑटो रिक्शा में बहुत से अलग अलग मॉडल होते हैं, पेट्रोल, CNG, LPG, डीजल। उसकी वजह से होता है कि अभी गाड़ियों में बहुत से उसके बॉडी चेसी में थोड़ा सा चेंजेस है, उसके कारण भी जो फाउंडेशन रबर होता है, इंसुलेटर रबर कहते हैं, या फिर कोई गेयर बॉक्स रबर, या फिर। तो दोस्तों, ये तीनों का स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हैं, ये अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप काम करते समय इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर दें, तो उसकी प्राइस भी अलग अलग होती है दोस्तों। तो आगे चलते हैं और वीडियो को जारी रखते हैं। तो दोस्तों, ये नीचे से भी देख सकते, आपको 2-10 का टिप आना या रिंग पाना इसका यूज़ करना है, क्योंकि दोस्तों एक आप ऊपर से खोलना चाहो तो नीचे से घूम जाता है, उसकी वजह से आपको 2 जो स्पैनर की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छे से उसको, तो खोलते समय भी आपको ध्यान देना है उसको, लेफ्ट राइट या कैसे घुमाना है, ये क्योंकि ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नट खुल रहा है या फिर ज़्यादा ही टाइट हो रहा है, कभी कभार आप गलती से ज़्यादा टाइट कर दें, उसका ऊपर का हेड ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, अभी कभी नट अच्छे हो तो उसको वही लगा देना है, या फिर आप नए भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप खुद काम करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप मैकेनिक के पास जाएंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद अपना दिमाग और आपका स्पैनर या जो भी कर देता है काम, पर कभी कभार आपको खुद याद नहीं होता है। तो दोस्तों, ऑटो रिक्शा गन में मैं बहुत दिन से वीडियो कोई अपलोड नहीं किया, पर शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, आपकी नोटिफिकेशन आती है, तो इसके लिए आपको ये चीज़ें ध्यान देने की। कभी कभार क्या होता है, वीडियो एडिटिंग को बहुत सारा समय लगता है, खुद मैं ऑटो चलाता हूँ तो इसके वजह से मुझे भी वक्त नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, यहाँ आपकी जो खुद का टूल बॉक्स, तो फिलहाल भी 10 के 2 नट खुल चुकी है, देख सकते हैं, तो अच्छे है, तो उसको आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नया भी डालना चाहते हैं। तो आगे चलते हैं और दोस्तों, एक बात, ये इस तरह इंजन को उठाने के लिए साइलेंसर को या फिर जैक का यूज़ कर सकते हैं, या फिर रॉड लगा के उसको इस तरह। तो फिलहाल अकेला होता है इसके लिए उसे मैं खुद ही निकल रहा हूँ, खुद ही वीडियो बना रहा हूँ, तो यह चीज़ आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल ऊपर का टूट चुका है, तो आप चाहो तो उसको दोस्तों 2 जब फाउंडेशन रबर है, या फिर इंसुलेटर रबर है, या फिर गियर बॉक्स रबर, ये दोनों भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल ये बीच वाला जो नट होता है 14 नंबर का, तो इसको गुटकी पाने से ही खोलना पड़ता है, इसके लिए फिक्स पाना या रिंग पाना का यूज़ नहीं होता है, और उसके बाद ये छोटी मोटी चीज़ें होते हैं। तो यहाँ देखो, देख सकते साइलेंसर इस तरह लग जाता है नीचे बॉडी को, तो क्योंकि ये निकाल दिया है, तो इसको उठाने के लिए भी आप हल्का से ऊपर उठा लेने या जैक लगा सकते हैं। तो फिलहाल ऐसी ज़रूरत तो नहीं पड़ी, मैंने खुद अपने हाथों से उसको हल्के से उठाए, क्योंकि आपको पता है जब आप काम करते थे इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते, आपको सिंगल वाला ही डालना या दोनों भी बदलने, तो आप दोनों भी बदल सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं, 125 रुपये MRP है, आपके पास कम ज़्यादा हो सकती है, 200-250 के 2 आ जाते जोड़ी। तो फिलहाल 10 और 11 का नंबर जो, और एक टिप आना, ये दोनों की ज़रूरत पड़ती है आपको, दो नट नीचे ऊपर से फिक्स करने के लिए, जिसकी पकड़ अच्छे से वो नट खुल जाए। तो दोस्तों, इसका नंबर नोट कर सकते हैं और उसका प्राइस भी देख सकते हो। फिलहाल ये बजाज कंपनी का ओरिजिनल है, आप शोरूम से भी लेके आ सकते हैं, या फिर पास वाले आपके पास जहाँ भी स्पेयर पार्ट की दुकान होती है, जहाँ ओरिजिनल मिलती है वही यूज़ करना है, डुप्लीकेट यूज़ ना करें, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, आपको दिमाग या फिर आपका गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये होता क्यों है, क्योंकि बहुत से ऑटो ड्राइवर गियर बदल समय क्लच का यूज़ नहीं करते। तो दोस्तों, जैसे
आप ऑटो चलाते तो आपको पता होनी चाहिए यहाँ आपको वाइसर और नट अच्छे से संभाल कर रहने से खो ना जाए, इसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों इसका ख़राब होने की वजह एक होती है, जैसे आप ऑटो चलाते तो क्लच का यूज़ नहीं करते, वैसे ही गियर फर्स्ट वाला सेकंड वाला भीड़ भाड़ में चलाते तो झटका लगता है इंजन को, इंजन से बॉडी जो इंजन गियर बॉक्स होता है उसको जो बॉडी चेसी से बाहर जो इंसुलेटर रबर होता है वह झटके लग लगे, बार बार वही प्रक्रिया चलती रहती, तो ये जब ब्रेक हो जाता है ख़राब हो जाता है। फिर ये गाड़ी चलाते समय आपको पता ही नहीं खड़खड़ जैसे आवाज़ आती है, धड़ धड़ आवाज़ आती है जो भी हो, तो ये आपको जल्दी समझ में आती है, जब फिटर के पास जाना पड़ता है तो उससे अच्छा आप ये समझ सकते हैं इसको बहुत सा जो प्रेशर से टूट जाते हैं ख़राब हो जाते हैं क्योंकि रबर होता है। तो ठीक है दोस्तों, यह आपको बात समझ में आती है ऑटो ड्राइवर भाई ये, तो यह फाउंडेशन रबर के पहले भी मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, जो फोर स्ट्रोक गाड़ी ये भी फिलहाल फोर स्ट्रोक गाड़ी, उसमें भी BS3 BS2 BS6 BS7 अभी जैसे जैसे वर्जन है अलग अलग उसकी भी आते रहेंगे। तो यहाँ देखो नीचे से भी देखो 10 नंबर का फिटिंग, अभी खोलते समय भी आपको वीडियो दिखा था, अभी फिटिंग भी कर लेनी है। तो दोस्तों ये भी चीज़ें ध्यान देनी है, आपके पास 10 नंबर का पाना फिक्स, रिंग, टी, गुटखी पाना जो भी है ये होना चाहिए, जिससे आप कहाँ भी आधे रास्ते में आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, कहाँ भी रुक जाए तो यह आप खुद काम कर सकते। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान देने, या फिर आप गाड़ी जैसी वैसी धीरे धीरे करके आपको फिटर के पास, मैकेनिक के पास, जहाँ भी गैरेज हो, शोरूम हो, वहाँ जाके आप ये भी काम कर सकते। पर दोस्तों डरने वाली बात नहीं है, पर आराम से आप गाड़ी चलाएंगे तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगी। तो यह दोस्तों काम हो चुका है, मैं हूँ अनिल बागोल ऑटो रिक्शा ज्ञान में, आप देख सकते हैं फिलहाल एक ही फाउंडेशन रबर या फिर इंसुलेटर रबर दूसरा वाला अच्छा है, आप दोनों भी चाहो तो बदल सकते हैं, आपके पास पैसा हो या वक्त हो तो दोस्तों ये ज़रूर कर लेना चाहिए। तो आगे वीडियो के लिए लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों मेरा जो चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान, और चैनल पर आए तो लाइक फॉलो और बेल आइकन दबाने से आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ फेसबुक पे भी हो, इंस्टाग्राम पे हो और यूट्यूब पे भी ऑटो रिक्शा ज्ञान यही मेरा चैनल है।